तो भाई कुछ ऐसा है, अभी शहीद पथ पर कोहरा लखनऊ में, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं इस टाइम पे, लेकिन हाईवे का कोहरा अभी भी छटा नहीं है भाई। पिछले 2-3 दिनों से कोहरा इसी तरीके का चल रहा है। अभी मैं हूँ शहीद पथ पे हुसड़िया के पास, मौसम देख सकते हैं आप लोग। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। भाई आज है 4 जनवरी 2024 और नए साल का आज ये रेगुलर ब्लॉग का पहला दिन है। इससे पहले आपने 31 का ब्लॉग देखा और रामायण पार्ट में मैं गया हुआ था वो देखा। तो फिलहाल आज टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज चुके हैं और किस तरीके का कोहरा है लखनऊ में ये भी अभी आपने देख ही लिया है। तो आपके यहाँ पे मौसम कैसा है ये बताइए कमेंट करके फटाफट से, और कोहरा कितना है कितना नहीं है। फिलहाल लखनऊ में पिछले एक हफ्ते से बहुत गजब का कोहरा है और कल यहाँ पे जो 2 घंटा बारिश हुई है ना भाई, उसने ठंडी की और बैंड बजा दी है, मतलब कि हम लोगों की बैंड बजा दी है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है फिलहाल यहाँ पे और ये 10 दिन अभी बहुत ज्यादा रहेगी भी, यानी कि मकर संक्रांति तक। तो आफ्टर मकर संक्रांति 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे सुंदरकांड का आयोजन रखवाया हम लोगों ने, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। उस दिन का पूरा ब्लॉग आप जरूर देखिएगा। अभी से मैं एडवांस में आपको इसके लिए मैंने रिमाइंडर डाल दिया है आपके दिमाग में। चलिए ऑफिस पहुंच चुके हैं, आज एक टीम मीटिंग है। टीम मीटिंग यानी कि आज एमडी सर के साथ मीटिंग नहीं है, हमारी खुद की हम लोगों की मीटिंग है, पांडे सर, आदर्श भाई और हम लोग सब लोग मिलकर के। तो आगे के प्रोजेक्ट्स पे होना है डिस्कशन, मिलते हैं आपसे कुछ देर में और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट से रेड बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं कुछ देर में, फटाफट से चाय वाय पी लें यार, बहुत तेज ठंड लग रही है अभी। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बजने वाले हैं। जस्ट मैं अभी कुछ देर पहले ऑफिस से घर आया हूँ, मम्मी के साथ गए हुए थे यार मार्केट और उसके बाद अभी घर पहुंचे हैं। तो देवांश और अथर्व आज हैं फिर से साथ में। अथर्व हाय। हाय। अच्छे से करो। हाय। हाय। क्या खा के आयो जरा बताओ? मूंगफली। हाँ। कौन खिलाया? बाबा। और देवांश क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? पढ़ाई करता। झूठ बोलते साले, मोबाइल देख रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो देवांश की चल रही विंटर वेकेशन, क्यों? ये चल रही विंटर वेकेशन है, सब पढ़े हैं पूरा। नहा रहे हो कि नहीं विंटर में? देवांश, अथर, तुम नहा रहे हो कि नहीं? इधर देख के बताओ, देख के। नहीं नहा रहे हो? और छी 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 गंदे गंदे। अब ये क्या कर रहे हो? काट रहे हो? क्यों काट रहे हो? अरे चाची को बुलाओ, बोलो चाची चाय। चाची चाची चाय लाओ, चाचा की बुला, ऑर्डर कर दे। चाची बुलाओ, चाची बुलाओ। अरे वो पागल है, चाची को बुलाओ, चलो चाची चाय लाओ। हाँ? चलो चाची चाय लाओ, कहो। ला रही हैं? हाँ। चलो ठीक है। सो भाई मैडम ले आई अभी हमारी चाय। और क्या खा रही हो यार तुम? जीरा। वो दाल में जो डालते हैं वाला? नहीं वो वाला नहीं, खाने वाला। अच्छा खाने वाला, तो खाने वाला जीरा तो वो भी होता है, तो दाल छोकने वाला होता है, सब्जी डालने वाला होता है। अच्छा ठीक है, टेक्निकली जवाब दे दिया तुमने, ठीक है। तो जीरा अच्छा है पक्का? चलिए हमें जीरा खाने देते हैं। और अभी आपको एक और चीज मुझे दिखानी है। एक्चुअली 2024 का जो कैलेंडर घर पे आया है वो बहुत यूनिक है, और किस तरह से यूनिक है, पापा आज लेकर के आए ऑफिस से, तो वो हम अभी आपको दिखवाते हैं। और सच में मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो गाइज ये है कुछ वो कैलेंडर 2024 का, और श्री राम मंदिर अयोध्या जनवरी के महीने में श्री राम मंदिर की इमेज बनाई गई है और योगी मोदी जी की भी इमेज बनाई गई है।
चंद्रकला। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये कैलेंडर रेडी किया गया है और वन बाय वन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिए कि 22 जनवरी जो श्री राम लला विराजमान, किस तरीके से 22 तारीख को हाईलाइट किया जा रहा है इस कैलेंडर में। तो इससे भाई एक चीज तो पता चलती है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपने डेट को और अपने कार्य में, अपने कार्यकाल में जो भी चीजें करी है इन्होंने उसको किस तरीके से हाईलाइट किया। ये फरवरी महीने में श्री काशी विश्वनाथ धाम, तो इस बार का कैलेंडर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है। और ये काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है उसकी एक छवि यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का, श्री राधा कृष्ण और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का। नेक्स्ट है आपका गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का। थोड़ा सा मुझे ही झुकना पड़ रहा है क्योंकि ये कैलेंडर मैं ही खुद वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और वीडियो फोल्ड, मतलब कैलेंडर के जो पेजेस हैं उनको फोल्ड भी कर रहा है। अप्रैल मंथ में है श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का। देन उसके बाद माँ विंध्यवासिनी धाम, तो मई के महीने में है माँ विंध्यवासिनी धाम का और ये माँ विंध्यवासिनी की इमेज बनी है। उसके बाद है जून में नैमिषारण्य धाम, ये नैमिष का चक्र तीर्थ है और नैमिषारण्य धाम ये माँ ललिता देवी की मंदिर मूर्ति बनी है। तो जून के महीने में नैमिषारण्य धाम, तो जून के बाद जुलाई के महीने में बुद्ध मंदिर है कुशीनगर का और ये भी एक छवि है बुद्ध मंदिर की कुशीनगर के बाद में। उसके बाद आपका ये आ जाता है जैन मंदिर हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर का जैन मंदिर भी है। ये देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है यार। इन सब मंदिरों का नाम मैंने खुद भी नहीं सुना हुआ था, जो कुछ एकाध मंदिर इसमें से ऐसे हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब द्वार यहियागंज लखनऊ, ये यहीं का है लखनऊ का ही। और ये गुरुद्वारे की इमेज बनाई गई है। साथ में आपका ये झांसी का किला है, तो झांसी का किला इसकी एक इमेज ये भी है अक्टूबर मंथ में झांसी का किला। देन नेक्स्ट काफी यूनिक है सच में ये कैलेंडर, चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम को नवंबर महीने में रखा गया है, लास्ट में अक्षयवट मंदिर प्रयागराज, इलाहाबाद का अक्षयवट मंदिर दिसंबर महीने में अक्षयवट मंदिर रखा है। तो ये था भाई कुछ ऐसा कैलेंडर, ये था कुछ ऐसा कैलेंडर परमात्मा की अनुकंपा का प्रदेश उत्तर प्रदेश कैलेंडर 2024। तो मैंने आज अभी जस्ट मैं रूम में एंटर किया ना, तो मैंने देखा ये कैलेंडर लगा हुआ, यार मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है केवल एक पेज पर ही ऐसा होगा, जनवरी के महीने में केवल श्री राम मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये हर पेज पर सारे मंदिर और उत्तर प्रदेश की सारी धरोहरों को इकट्ठा करके दिखाया गया। काफी अच्छा लगा ये चीज। तो होप सो आपको आज का ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।